हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्राफ्ट अरीना एंड दिस साइड इज़ लोचन। आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ मैं कुछ नए बॉटल डेकोरेशन आइडियाज़। बट इस ट्यूटोरियल में हम नो पेंट नो क्ले बॉटल ऐड करेंगे, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट बॉटल ऐड को करने के लिए हमें चाहिए कुछ इस टाइप से ग्लास बॉटल। यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं या फिर कोई कलर्ड ग्लास बॉटल भी ले सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग है फेल्ट पेपर। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या फिर किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा। बट अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मे बी स्टेशनरी शॉप्स अभी क्लोज है, तो आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप बॉटल को जितना कलरफुल बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप फेल्ट पेपर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 से 4 शेड ही ले रही हूँ और इन्हें हम कुछ इस तरह से ट्राइंगल शेप में कट कर लेंगे। यहाँ फेल्ट पेपर की जगह पर आप कलरफुल चार्ट पेपर ले सकते हैं, आप कोई शीट्स ले सकते हैं या फिर फोम पेपर ले सकते हैं। उन्हें आप किसी भी शेप में कट करें, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रायंगल शेप में कट किया, आप इन्हें ओवल शेप में, हार्ट शेप में, किन्हीं भी शेप में कट करके आप बॉटल को डेकोर कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। जब इनकी कटिंग हो जाए उसके बाद में इसे सिंपली आप किसी भी वाइट ग्लू, फेविकॉल, किसी से भी आप स्टिक कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल आपको सिलिकॉन ग्लू या ग्लू गन की नीड नहीं है। अभी बच्चों के भी हॉलीडेज़ चल रहे हैं और उन्हें बिजी रखने के लिए आप उनसे ये बॉटल ऐड करा सकते हैं। इसे वो काफ़ी इंजॉय भी करेंगे और टीवी से भी काफ़ी दूर रहेंगे। ये बॉटल आर्ट इतना इजी है कि इसे कोई भी कर सकता है। आप टॉडलर्स को भी अगर इनके शेप्स कट करके देंगे तो वो भी इजीली स्टिक कर देंगे, तो आप तो इसे बना ही सकते हैं। जब कभी भी आप इस वर्क को कंप्लीट करते हैं और अपना आर्ट वर्क मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सारे शेप्स को स्टिक करने के बाद में किसी डेकोरेटिव लेस से कुछ इस तरह से हम डेकोरेट करेंगे। बॉटल में स्ट्रिंग लाइट या फेरी लाइट्स डालने के बाद बॉटल कुछ इस तरह से दिखेगी और इसे आप एज अ नाइट लैम्प यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये बॉटल आर्ट पसंद आया होगा। एंड विदाउट लाइट ये कुछ इस तरह से लगेगा। सेकेंड बॉटल डेकोरेशन के लिए हमें चाहिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बॉटल, कुछ इस तरह से क्रैप पेपर, या आपको सेम किसी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। नाउ इन पेपर्स को हमें कोई शेप में कट करना है। सेम यहाँ पर भी आप कोई भी शेप ले सकते हैं। आप यहाँ पर हार्ट शेप ले सकते हैं, सर्कल, ओवल। यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। तो फर्स्ट हमने कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स कट किए हैं और इन्हें एक साथ हम इस तरह से रख करके और इन्हें हम स्क्वायर शेप में कट करेंगे। आप कोई दूसरा शेप भी बनाना चाहते हैं तो भी आप सेम प्रोसेस करें। सारे स्ट्रिप्स को एक साथ रख के उसके ऊपर जो भी शेप आप बनाना चाहते हैं उसे ड्रॉ करके एक साथ कट करें। इससे आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। एंड जब ये सारे कट हो जाए तो हमें कुछ इस तरह से सभी को मिक्स कर देना है। नाउ इन्हें बॉटल पर स्टिक करने के लिए हमें चाहिए वाइट ग्लू, फेविकॉल, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा हमें वाटर ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है और बॉटल के ऊपर कुछ इस तरह से अप्लाई करना है। ओके, नाउ अब हम इन्हें एक एक करके इस तरह से स्टिक करेंगे और बहुत धीरे धीरे से हम ब्रश की हेल्प से इन्हें स्टिक करते जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो ये पेपर फट जाएंगे। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। इससे जब कभी भी मैं अपने न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। इन पेपर को स्टिक करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ये मिक्सचर है जिससे हम स्टिक कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं होना चाहिए। जब हम इसे लगाएंगे अगर बहुत ज़्यादा रनिंग होगा तो इन क्रैप पेपर से कलर निकल के एक दूसरे पे लग जाएगा और वो फिर अच्छा नहीं लगेगा।
जब सारे पेपर्स अच्छे से स्टिक हो जाए और बॉटल आपका अच्छे से ड्राई हो जाए, तो यहाँ पर बॉटल की नेक पर आप कोई भी रिबन से या फिर किन्हीं फ्लावर से आप इसे और भी ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। एंड अपने आर्टवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप एक वार्निश का कोट दे सकते हैं, इससे आपका आर्टवर्क ख़राब नहीं होगा। कंप्लीट होने के बाद डे लाइट में बॉटल कुछ इस तरह से दिखेगी और फेरी लाइट्स या स्ट्रिंग लाइट्स डालने के बाद बॉटल कुछ इस तरह से दिखेगा एंड यू कैन यूज़ एज अ नाइट लैम्प। एंड लास्ट थर्ड बॉटल आर्ट के लिए हमें चाहिए इस तरह से कलर्ड ग्लास बॉटल एंड कुछ फेल्ट पेपर। इन पेपर से हम बनाएंगे कुछ फ्लावर्स और फ्लावर्स बनाने के लिए यहाँ पर हम फ्लावर्स का आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे और इन्हें हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। जब बॉटल का आउटलाइन हम कट कर लेते हैं तो यहाँ पर किसी दूसरे कलर में, यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर का ले रही हूँ, सर्कल कट करेंगे और इसे हम इसके ऊपर स्टिक करेंगे एंड सेंटर में यहाँ पर हम कुछ इस तरह से जो पर्ल स्टिकर होते हैं उन्हें हम स्टिक करेंगे। एंड इस तरह से सिंपल फ्लावर्स रेडी हो जाएंगे। कुछ फ्लावर्स रेडी होने के बाद में वन बाय वन हमें इन्हें बॉटल पर स्टिक करना है। आपको इनमें से कौन सा बॉटल डेकोरेशन आइडिया बेस्ट लगा है प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और बॉटल आर्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे रिजॉल्व करने की। बॉटल की ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए यहाँ पर हम हाफ पर्ल को कुछ इस तरह से स्टिक कर देंगे। एंड किसी थ्रेड की हेल्प से बॉटल की नेक को इस तरह से कवर कर देंगे और वो कलर आपका कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए तो आपकी बॉटल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी। एंड फेरी लाइट्स डालने के बाद बॉटल कुछ इस तरह से दिखेगी। आई होप आपको ये सारे बॉटल डेकोरेशन आइडियाज़ अच्छे लगे हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन हॉलीडेज़ में बच्चों को भी बिजी रखें आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में एंड आप भी हैप्पी रहें। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।